अंजाम दिया जा रहा है। उसी प्रकार एक शराब के ठेके पर लूटपाट को अंजाम दिया शातिर बदमाशों ने। बदमाशों ने पिस्टल दिखाकर लगभग 1.5 लाख रुपए लूट लिए। मामला है औद्योगिक शहर परवानू में। शातिर बदमाशों ने लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया शराब के ठेके पर। शातिर बदमाशों ने पिस्टल की नोक पर शराब ठेके से 1.5 लाख रुपए नकद, 2 मोबाइल फोन और शराब की बोतलें लूट लिया। इस वारदात की जानकारी परवानू पुलिस विभाग को मिलते ही पुलिस घटनास्थल के लिए रवाना हुई। शराब ठेके की ओर से पुलिस में मामला दर्ज कर शातिर बदमाशों की खोज शुरू कर दी है। मिली जानकारी की ओर से पुलिस थाना परवानू में माधिरा पुत्र ज्ञानचंद निवासी ग्राम लहड़ेज तहसील अर्की जिला सोलन पुलिस थाना परवानू रिपोर्ट दर्ज करवाई है। सोमवार की रात लगभग तकरीबन 11:30 बजे ठेकेदार कुंवर सिंह आधा शटर डाउन करके शराब दुकान का स्टॉक मिला रहा था। इसी दौरान दो युवक शटर को उठाकर शराब ठेके के दुकान के अंदर घुस आए, जिसमें एक युवक ने मुंह पर काला कपड़ा बांध रखा था। उसी बदमाश ने अपने हाथ में पकड़ी पिस्टल कुंवर सिंह पर तान दी और दूसरे बदमाश ने शराब ठेके का शटर पूरी तरह से बंद कर दिया और कुंवर सिंह के टेबल में रखी 1.5 लाख की रकम और 2 मोबाइल फोन साथ ही साथ शराब की बड़ी बोतल लेकर दोनों शातिर बदमाश शराब ठेकेदार शटर उठाकर फरार हो गए, जिनकी तलाश पुलिस थाना परवानू के पुलिस कर रही है। MNS News Live की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल